इंडिया वर्सेस श्रीलंका के 3 मैच के सीरीज में T20 के फर्स्ट मैच में सूर्य कुमार यादव के कप्तानी और गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद फर्स्ट मैच इंडिया ने जीत लिए हैं। आपको बता दें श्रीलंका के साथ फर्स्ट मैच था जो श्रीलंका को हरा के इंडिया ने 43 रन से जीत हासिल की है। और इस जीत के बात करें तो इंडिया टीम ओपनिंग करते नजर आए पहले, और ओपनिंग में बहुत ही अच्छी तरह से सुमन गिल और SSV जसवाल ने साझेदारी की, जिसमें से जसवाल ने 40 रन और गिल ने 34 रन बनाए और टीम को एक अच्छा स्टार्टअप दिया। उसके बाद सूर्य कुमार आए और सूर्य कुमार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल को दिखाया। 26 बॉल में उन्होंने 58 रन बनाया। और उसके बाद सूर्य कुमार आउट होने के बाद ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिखाए। इंडिया के सभी बैट्समैन ने लगभग अच्छे तरीके से खेल दिखाए हैं, ऋषभ पंत तक। ऋषभ पंत 49 में आउट हो गए, 50 रन से 1 रन से चूक गए। उसके बाद भाई जितने भी प्लेयर आए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जैसे कि हार्दिक पांड्या हुआ, रिंकू सिंह और रियान पराग, जिन्होंने जल्दी ही अपना विकेट गंवा चुके। और उसके बाद भी श्रीलंका को टारगेट दिया गया 214 रन 7 विकेट पर। बात करें पथिराना ने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलिंग की है और अकेला खेल रहा था, बॉलर में लग रहा था जैसे पथिराना। 4 ओवर में 40 रन दे के 4 विकेट लिए, जिनमें विकेट्स में सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और रियान पराग, ये 4 बड़े बड़े विकेट्स लिए भाई ने। उसके बाद बैटिंग करते नजर आए ओपनिंग में श्रीलंका के तरफ से। ओपनर ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेल दिखाया, ओपनर्स ने जैसे निशंका ने बहुत ही खतरनाक तरीके से खेल दिखाते हुए 79 रन 48 बॉल पे मार दिए थे। और कुशल मेंडिस ने भी भाई 45 रन मार दिए थे। ऐसा लग रहा था 11 ओवर में जैसे 111 रन तक बन गए थे एक विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिखा रहा था, लग रहा था कि जैसे मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल ले तो श्रीलंका आराम से इंडिया को हरा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बॉलर के सामने सारे के सारे घुटने टेक दिए, 2 रन, कोई 4 रन, कोई 0 रन, कोई 5 रन मिडिल ओवर में सब कोई बना के चल गए। और ओपनर को छोड़ के कोई रन नहीं बना पाया और 170 रन ही महज बना पाया श्रीलंका ने। और 170 रन बनाते ही उन्होंने हार का सामना करना पड़ा 43 रन से। बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो बॉलिंग में रियान पराग ने चमत्कारी स्पेल किया, जिन्होंने महज 8 गेंद बॉलिंग की है जिसमें से 3 विकेट निकाल लिए हैं। और विकेट की बात करें तो उसके बाद अर्शदीप ने भी 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए। और हमारे इंडिया टीम ने बहुत ही आसानी तरीके से श्रीलंका को फर्स्ट मैच में हरा के जीत अपने नाम कर लिया है। 3 मैच के सीरीज में 1 मैच के लिए बढ़त बना चुकी है इंडिया। आपको क्या लगता है ये सीरीज क्लीन स्वीप कर पाएगी, तीनों के तीनों मैच जीत पाएगी?